उससे पहले मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाना चाहूंगी कि क्या हो रही है। तो देखा आपने मेरी रूम की हालत कितनी खराब हो रही है। वहाँ पे रमन जी भी सो रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ जाके बात नहीं की क्योंकि उनको डिस्टरबेंस होता है, वो रात ही लेट आए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा वॉइस नहीं की। और रूम की हालत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि बारिश की वजह से मैंने और मम्मी ने डिसाइड करा था कि हम अपने बेड को साफ करके और जितने भी कपड़े हैं उनमें धूप लगाएं, लेकिन सरप्राइजिंगली बारिश हो गई तो इस वजह से वो रूम अभी तक ऐसी है। अब अगर थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो हम सुखा लेंगे, वरना उनको मुझे वैसे ही वापस रखना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ते की तैयारी करने। नाश्ते में आज सब ने बोला है कि जो मथुरा से पेड़े आए हैं उनके साथ ही दूध लेना है, नाश्ता कुछ नहीं बनेगा, तो मथुरा के पेड़े और दूध। तो यहाँ नीचे आते ही नाश्ते का हो गया प्लान एकदम चेंज, क्योंकि मम्मी ने मुझसे बोला कि सिर्फ दूध में काम नहीं चलेगा, बाहर जाना है डैडी और इनको, तो पेट नहीं भरेगा, इसलिए मम्मी ने बोला कि पनीर में से ही, बचे हुए पनीर में से पराठे बना दे। पनीर वैसे लंच के लिए आया था, पालक पनीर बनाना था मुझे, पर मैंने उसमें से थोड़ा सा बचा के पराठे के लिए स्टफ बना दिया। अब मैं उसके पराठे बनाने जा रही हूँ, फिर बाद में लंच बनाऊंगी। अब नाश्ते का प्लान चेंज हो गया। कैसे? मम्मी ने बोला कि सिर्फ दूध में और उसमें काम नहीं चलेगा, तो कुछ सॉलिड सा खाने के लिए मैंने बना दिया पनीर, जो आप पनीर ले गए उसमें से पराठे बना रहे हो, थोड़ा सा बचा के फिर वो खाने में जाएगा। ठीक है, बाल ना भाई जा रहे हैं, जरा वीडियो शूट करके ना फटाफट। कितनी देर में जाओगे? आ जाएंगे 2-3 घंटे में। आज जरा रवि तो उनकी शूट होगी, आज कुछ और यूट्यूबर आ रहे हैं ना, टेक्निकल तेजस्वी। अच्छा, हमारे ताऊ जी हैं वो टेक्निकल तेजस्वी का तो शायद कमेंट आता है ब्लॉग पे। हाँ, है ना, उनके कमेंट आते हैं बहुत कमेंट, कल उनके दो चैनल है, शायद दूसरा भी चैनल है, उससे आता है। तो आज वो शूट करेंगे रवि ट्विटर पे। बाहर तो आपके भी आई हैं मौसी जी, मम्मी की मौसी। अच्छा, मम्मी की मौसी हैं, जुए हो गई हैं सर में बटन कहाँ है? बटन टूट गया, अभी इसमें से निकल गया, ये मशीन में टूट गया है ना, अभी निकल गया, अभी हाँ इसमें फंस रहा था वो लोहे का, तो वैसा लगाऊं? कोई बात नहीं, तो बाद में लगा देना, तो बैटरी वैसे रुक जाता, बैटरी लगाऊंगा। जुगाड़ू जुगाड़ू, कल आपने क्या लिख रखा था उसमें? इंडियन जुगाड़, वो जल्दी जल्दी में मुझसे गलती से टाइप हो गया, वो वहाँ धूप पड़ रही थी। अच्छा। वो मैं तो शूट के लिए जा रहा था, इंडियन की जगह इन्फिनिट लिख दिया आपने, है ना? मैं कह रही पता नहीं जुगाड़ इन्फिनिट क्या हो है, जुगाड़ तो समझ में आ रहा है, लेकिन जुगाड़ को भी इंग्लिश में कुछ बोला जावे। जल्दी खाना बना रही हूँ भाई। हंसते पापे हंसते, क्या हाल है? वही हड्डी और वही खाल है। हड्डी भी हुई और खाल भी हुई। अच्छा, रात तो उठे नहीं जब हम लेट आए इतनी। हुमायूं ने फौरन बजा दिया, भी तू भी वहीं से बजा दे। हम फौरन है उठे, किवाड़ किवाड़ खोल खाल के 1:20 हमें तो ना मिले, घर मिलने तो आए ना। हाँ, घर तो मिलने ना आया, घर हम मिलने तो उससे जाए, तो आ हमारे हैं और बाबा चेक करो। मैंने तो पता क्या कह दिया अंजी का था, मैंने कहा पेड़े और दूध, मैंने कहा नाश्ते में रहेगा। कह रही मैं तेरे डैडी को देर लग जाओ, हो जाओ वहाँ, टाइम लगा। अब पनीर के पराठे बना दिए, पनीर के पराठे बनवाएंगे। सही है, लो तो डैडी मिर्ची। डैडी कुछ रात ट्रेवल करके कुछ थके से लग रहे हो। थके से क्या? डैडी का आपके दूध, एक गिलास दूध पिया, अब मैं बोलूं उल्टी उल्टी ना हो जाए कभी। अरे उल्टी कैसे हो जाती है, वहाँ तो एनर्जी पूरी। ये रे दूध, वहाँ दूध तो हम वहाँ ब्रजवासी के यहाँ भी पी के आए, तो यहाँ भी आपके दूध मंगाएंगे। वो सही रहता, डैडी का रूटीन है ये। बात चमक सी नहीं आ रही फेस पे, आज सुबह जग के न्यार व्यार करके नहा के हवन करके जब वो फिर दोबारा सोएगा तो उससे जो थोड़ा हैंग है मामला अभी।
थोड़ा दोबारा सोने में दिक्कत हो रहा है। मूड खराब ना यार, पंखा चला पड़ेगा यार। फाइनली हम आ गए हैं दबथला और यहाँ पर है हमारा रूटरवेटर का हब, जहाँ पर हमने पूरा हब बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे रूटरवेटर अभी असेंबल किया जा रहा है। असेंबल मतलब कि जो उसके बोल्ट पाने चाबी सब लगा के उसे जोड़ा जा रहा है। और उधर हमारे निरंकार भाई साहब खड़े हैं, अरुण खड़े हैं, यहाँ हमारे ताऊ जी हैं। ताऊ जी का बहुत ही अच्छा चैनल है और किसानों से रिलेटेड ही सब कुछ जानकारी देते हैं। अभी हम जल्दी और भी शूट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज लंच में बनाऊंगी मैं पालक पनीर। तो पालक तो मेरा बॉईल होके रेडी होने वाला है बस, और फिर पनीर भी काट लूँगी थोड़ी देर में। ये फ्रीज़ हो रहा है इस वजह से, इसकी कटिंग बेकार सी हो रही है। थोड़ी देर में रुक के इसको काटूंगी, तब अच्छी फिनिशिंग से इसकी कटिंग हो जाएगी क्यूब शेप में। फिर इसको मैं छोक दूँगी थोड़ी देर में। अब इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा और इसका कलर ग्रीन से थोड़ा थोड़ा रेड सा पका हुआ सा हो जाएगा, तब ये एकदम पक जाएगा। बस अब मेरा पनीर भी मुझे तैयार हो गया और अब मैं आटा लगा रही हूँ। थोड़ी देर में रमन जी और डैडी भी आ जाएंगे, तो खाना तैयार हो जाएगा। अब वीडियो का शूट शुरू होगा टेक्निकल तेजस्वी किसान चैनल के लिए। और अभी हाइड्रा पे रूटरवेटर को ऊपर उठा रहे हैं। उसके बाद जब ऊपर आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अच्छे से शूट करने में आसानी हो जाएगी और बढ़िया रहेगा। तो अभी इसको ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठाने के बाद फिर होगा शूट स्टार्ट। फाइनली धूप निकल आई है और मम्मी ने सारे कपड़े सुखा भी दिए और धूप भी लग गई है। इतने मैंने खाना बनाया तो अब मैं मम्मी को एक एक साड़ी करके अंदर पहुँचाऊँगी। मम्मी बैठी है वहाँ अंदर बैठ के। रूम की हो गई है सफाई और किचन गार्डन की भी हो गई है नुलाई। और अंजलि दीदी आ गई है खूब मेहनत करके करके। और अब बस पापा जी नहा लिए, खाना सब नहा लिए। हाँ तो भाई सब नहा लिया, खाने की तैयारी आ गई है। जल्दी जल्दी बुला लो और खाना लगवा दो आके। शूट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं मामा जी के फूड पॉइंट पे। उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही खोला था, देखेंगे क्या क्या चीजें खाने को मिलती हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर हमें जाना है अरुण भाई के साथ बैंक। बैंक से कुछ पेमेंट भी निकालनी है, यूट्यूब से आई है काफी सारी। ये रास्ते में कुछ बंदर तफरी करते हुए। बाबा हेलो, हाँ यहाँ की पकौड़ी बहुत फेमस है। लो जी ये आ गया रास्ता चितवाना शेरपुर गांव का। ये रास्ता जाता है उधर और ये हमारे मामा जी का फूड पॉइंट यहाँ सामने। देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। वाह क्या कितनी बढ़िया एक झोपड़ी बना रहे हैं। और ये लो जी सामने हमारा कबीर भैया उधर। आप देख सकते हैं पीछे पूरा काफी लंबा बाग है, तो इसमें भी इंजॉयमेंट के लिए काफी चीजें वो तैयार कर रहे हैं। और इधर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, दूसरा टैंकर है, मतलब सभी चीजें यहाँ पे हैं। और मैं आज आपको किसी से मिलाऊंगा, लूसी से नहीं, लूसी के साथ में रहती थी सारा। तो ये है सारा और बहुत अच्छी है सारा। सारा पहले वहीं रहती थी, अब मामा जी के पास में है और इसको पूरा एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस साइड में सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा फूड पॉइंट है नहीं जैसा मामा जी डेवलप कर रहे हैं। कैसे हो मामा जी? जो सामने से देख रहे हैं उनको तो कुछ बोलो। हैं? यहाँ आए हैं, जब भी इस रोड पे को निकले तब आए। इस यहाँ तो पहले ऐसी कोई है नहीं, है ना? हाँ इतने मतलब। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि फूड के साथ में इंजॉयमेंट भी पूरा एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट करा जा रहा है। देखो मामा जी ने यहाँ पे लंगूर भी पाला हुआ है
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रो टूरिज्म पे वर्क कर रहे हैं, तो धीरे धीरे और भी ऐसे पक्षी, बर्ड्स, खरगोश, वो सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप किया जा रहा है पूरा। मम्मी ये पता समोसे कहाँ से लाया मैं? मामा की दुकान से। तो वहाँ पहुँचा? और क्या ना। अच्छा, और नमकीन बिस्कुट सब कुछ, ब्रेड ब्रेड सब वहीं से। हाँ, चॉकलेट वॉकलेट। अच्छा, एक काम करो, ओवन में थोड़ा गर्म कर दो इनको, लाओ जरा प्लेट। सारी सारी बात खुलवा दो इसमें ना, देनी चाहिए ना, तो दे के आए ऐसा थोड़ी। ताई जी कहाँ है? ताई जी यहीं घूम रही है कहीं, देखो। ताई जी के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। क्या? मैं पाँव को बांधने के लिए पत्ते। इधर को लेके आओ, रोशनी मेरे को। ये वाले के काफी बड़े बड़े पत्ते काहे के हैं? ये पाँव को बांधने के। तो वैसे है काहे के? नाम तो पता नहीं रहे। अच्छा ठीक है, इनको मम्मी उस पर बांधेंगे पैर पे। ठीक है, देखो कहाँ पे, आवाज मारो। ताई जी गहर की छत पे देख के आओ। क्या बड़ा ऑफिस में? ऑफिस में ना आई तो है ऊपर ही, छत पे घूम रही है। हम तो ना पूरे में ढूंढ रहे थे, फिर इंगे कौन आया? इंगे अभी मैं ही आई थी। हल्का डालने तुम्हारे पत्ते। अरे कूदो हो, तुम वहाँ क्या कर रही हो? नहीं, पापा हम सारे में ढूंढ रहे हैं, ऊपर वाली छत पे गए हैं। लो तुम्हारे लिए कुछ हरी बूटी, जड़ी बूटी लेके आई हैं बांधने के लिए। कहाँ कहाँ बांधूंगी? हाँ, पूरे पूरे शरीर में कहीं भी दर्द उठी हुआ है। कहीं के पत्ते मम्मी? पत्ते कहे के? चुइया चुइया के पत्ते। अच्छा अब आई समझ। तो शाम का वक्त हो गया और डिनर का टाइम हो गया। आज डैडी ने और रमन जी ने कुछ भी नहीं खाया बाहर, और साथ में आए आज हमारे घर अरुण भैया रूटर वेटर वाले। तो मैंने स्पेशली खाना लगा लिया है, बस अब सर्व करने की देरी है और बस अब जल्दी से मैं बना के पहुँचा। खाने में है पालक पनीर, आलू टमाटर, अचार तीन तरह का, और सलाद और फ्रूट्स। ये बड़े पापा की थाली अलग से स्पेशल वाली। तो अब जल्दी से बना दूँ मैं और तुम पहुँचा देना, ठीक है? अब पानी की गिलास लगा लो बस अब तुम। अंशिका हाँ जी, कल को दयाल देवता का श्राद्ध होएगा, ठीक है, और उसमें मीठा भोजन बना है, चाहे खीर बना लो। अच्छा। चाहे चावल बना लो खा ली, उन पर मीठा गेर दो। हाँ। और चाहे वो बना लो जवे, ठीक है, मतलब कुछ भी सफेद कुछ मीठा भी, बनना है। हाँ, मीठा भोजन बनना, ठीक है। उसे एक जगह थाली में करके और पानी फेर के और ऊपर रखा मैं बस, और गाय को कुत्ते को और किसी को नहीं देते। तो मतलब बस, हाँ, हाँ, उनके लिए मीठा और घर के लिए मैं छोले भी बोलो। हाँ, छोले भी बोलो। तो अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि कल के लिए सुबह के लिए क्या बनाए, क्योंकि श्राद्ध तो नॉर्मल वाला श्राद्ध है ये, है ना? ये पूरे गांव का श्राद्ध है ये। अच्छा, सबके ही बने है ये, ठीक है। हाँ। दयाल देवता मतलब कौन? दयाल देवता है वे, मतलब उन्होंने गाँव बसाया है। अच्छा, खिलवाई? हाँ, वही आए है सबसे पहले खिलवाई। तो उनके लिए बनाया जाएगा कल खीर वगैरह, मीठे चावल जो भी है, ठीक है। और बाकी घर के लिए मैं अब भिगो रही हूँ छोले। और अब शाम का खाना सबने खा लिया, अब लेटने की तैयारी हो रही है और व्लॉग को डालने की तैयारी हो रही है। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। तो मम्मी आ गई अंजलि दीदी को उनके घर छोड़ के, और मम्मी मुझे मम्मी बता रही कि कल के लिए मीठे चावल बनेंगे दयाल देवता जी के लिए, है ना? कुछ अच्छा, मैंने अंजलि को बताया, मैंने कहा अंजलि तू भी बना ली अपने घर, ठीक है, चावल बना ले, खीर बना ले, जवे बना ले, कुछ बना ले, थाली में करके ऊपर रखी इसमें। हाँ, मीठा भोजन। भाई देखो मेरी आंख में अंजन निकल गई।
हाँ रोज छुट्टी मान लो करो व्लॉग में से सब छुट्टी लग रही है, क्यों लग रही है ये पता पता सब न्यू सोचा है न्यू इन सासू बहू के बीच में क्या चल रहा ये आते ना सब मुझे मैसेज कर करके और फोन कर करके पूछने लग जाए मौसी जी कहाँ है मम्मी जी कहाँ मामी जो भी आप जिसके जो लगो वो अलग से पूछे हैं तो टाइम टू टाइम आकर बताती रहे कभी कुछ हो जाए कभी कुछ सुबह से अंजन अगर सुबह को कैसे होगी आप बोलना पड़ेगा छुट्टी ले होगी कल की भाई छुट्टी अभी नहीं लेनी एप्लीकेशन दी हो तो ज्यादा आप सूझगी तो देनी पड़ेगी जब स्कूल में छुट्टी करा तब एप्लीकेशन लगा हुआ है ना हाँ लगा हुआ तो तुम्हारी भी एप्लीकेशन लगेगी जब छुट्टी मिलेगी नहीं तो बीमार नहीं होना रेगुलर आना है व्लॉग में ठीक है ना ठीक है गुड नाइट कर दो गुड नाइट मम्मी गुड नाइट करो शुभ रात्रि गुड नाइट भाई बाय बाय.